Nee. बहुत खाली है यार। अरे बेटा पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। माँ तुम्हारी कसम माँ, एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, कल शाम तक चेन्नई आ जाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, बाय। सुनो बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, माँ की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। अब मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? हाँ अरे तुम चेन्नई में ही हो और माँ को बोल रहे थे कि मैं चेन्नई आ जाऊंगा। व्हाट, ये चेन्नई कहाँ है? ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद वो देखो चार मीनार। दामाद जी। अरे भाई पांडी बाजार चलोगे? पांडी बाजार मतलब एक और बकरा, बिल्कुल चलूंगा। हम तो तोड़े फोड़े फोड़े हम मतलब तो... पता चल गया भाई? मुझे तो पता चल गया लेकिन तू लापता हो जाएगा, ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया है तूने? बताता हूँ मैं। रुक। अबे रुक बे। ए भागता का है? रुक। ए भागता का है? गाड़ी है। चलो भाई। हाँ भाई आगे। भाई नमस्ते भाई, मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो बात करनी है डिंपल से करो। सर यहाँ डिंपल जी कौन है? वो गाड़ी से आ रही है। सर डिंपल मैडम से मिलना है। डिंपल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी है क्या? नहीं डिक्की में है, जाकर मिलो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिंपल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है? डिंपल मेरा नाम है। आप है? और नहीं तो क्या पिंपल, ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है सर। हाँ चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर, मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं, 50-50 कहा था, अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाए हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ सर। एक दूंगा ना, लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा है 10 लाख देने। चल निकल। 10 लाख लाया हूँ। बात करता है। ये भाई कौन है बे? चाय पीकर भूलने जैसी बात के लिए भाई का नाम क्यों ले रहे हैं यार? अभी तो कुछ मिला तो है नहीं, इसकी इडली गई, मेरा पेट्रोल गया, आपका क्या भाई, भूल जाइए ना भाई। मैंने जो पहले पूछा है उसका जवाब दो, सबको उनसे इतना डरने की जरूरत क्या है? भाई का नाम ही डर है। इस शहर में लीगल धंधों को अगर कोई लीगली सेटलमेंट करता है वो भाई ही करते हैं। वैसे तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम्हें 1 घंटे में मिलेगा, मुझे 10,000 दो, शॉपिंग करनी है। अब ये नया घाटा क्यों? चुपचाप पैसे दे चल। जरा रूम के अंदर जाके देखो। तुम ये टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम उल्लू नहीं है, लल्लू है। हाँ यार अब तुम होटल खाली करके चले जाओ। चुपचाप अंदर जाके देख। हाँ जा रहा हूँ ना। आप कौन है? अरे भाई क्या हो गया? अरे लगता है मिनिस्टर समझ कर घबरा गए। ये तो बहुत गलत बात है, 4-5 पहले कपड़े रखे थे, जैसे हमने तुम्हारी जायदाद लूटते हो तुम अपने भाई को लेकर आ गए। वो कोई भाई नहीं है, मेरा ससुर है। ससुर है? हाँ। यानी ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? नहीं, दुनिया में मेरे अलावा मेरे ससुर जी का कोई भी नहीं है। आज से ससुर जी का इस्तेमाल करके हम पूरे शहर को उल्लू बनाएंगे। भाई करोड़ों से नीचे डील नहीं करते, करोड़ों के नीचे लाखों होते हैं, लाखों के नीचे हजारों होते हैं, वो सारी डील्स हम लोग करेंगे। रिस्क है भाई, लाइफ में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना होगा। हम जो धंधा करेंगे वो ना भाई को और ना ही मेरे ससुर जी को पता चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी को पता कैसे नहीं चलेगा भाई, वैसे भी वो कितना सवाल करते हैं। पासपोर्ट या वीजा का काम है कहकर मैं ससुर जी को संभाल लूंगा, मैं उनके साथ हमेशा करता आया। तो फिर हमें क्या करना होगा? पहले अपने भिखारियों जैसी हालत बदल कर अर्जेंट एक कॉस्टली कार अरेंज करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। किशन ज्वेलर्स? यस। अरे दामाद जी ये सब क्या है, ये पागलों जैसा भेष क्यों? अरे करना होगा, बड़े लोगों जैसे नहीं लोगोगे तो ना पासपोर्ट मिलेगा ना वीजा। पासपोर्ट वीजा का काम तो वो चेन्नई के बाबू का है। वही काम तो अब ये लोग करेंगे, अब इन्हें भी सुधरने का एक मौका देते हैं ना। हाँ सर आपकी हेल्प करने के लिए एक मौका दीजिए ना। ठीक है, इज्जत से जियो यार। हाँ। धोखा वोखा मत दिया करो, ये सब करना अच्छा नहीं है। हाँ जी सर आप चलिए। चलो हाँ।
ये सब क्या है दामाद जी? होटल है ससुर जी, खाने के लिए इतना बड़ा होटल। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, सभी लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है ससुर जी, कैरेटर से ज्यादा कैश किक वैल्यू देती है, इसीलिए तो सभी को ऐसा भेस लेना पड़ा। खैर जाने दो, अब वैसे आज तो हमारा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी, जो आने वाले हैं ना वो पासपोर्ट ऑफिसर के जीजा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो उनसे कहेंगे और वो पासपोर्ट ऑफिसर से कहेंगे, तो हमारा काम हो ही जाएगा। कुछ भी हो काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी, तुम बस कॉफी पीते बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ससुर जी को डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलना। हाँ, बोल दे डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। अबे फाइव स्टार होटल है बे। अच्छा डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। मैंने ही आपको फोन किया। नमस्ते सर, ये मेरे बड़े भाई किशनलाल। क्या बात है, लोगों को बुलाकर डराना चाहते हो? नहीं, सेटलमेंट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अपने भाई का हिस्सा उन्हें दे दोगे तो दोनों शांति से रह सकते हो। देखो भाई के करेक्शंस मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी भाई इस तरह के मैटर्स में हाथ नहीं डालते, मुझे डराने की कोशिश मत करो। लगता है आपने भाई को अब तक गलत ही समझाया, इस मैटर में भाई ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, वो देखिए। सर ये मेरा इकलौता भाई है, इसे मैं धोखा दे सकता हूँ क्या? अगर पैसे दूंगा तो कहीं बर्बाद न कर दे। कुछ बर्बाद नहीं करेगा, उसे उसका दे दो। अरे छगन तुझे कितना चाहिए सब ले ले, तू मेरा छोटा भाई है रे। मुझे मेरे हिस्से का ही दे दीजिए भैया, आप जाइए मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ बेटा, भाई से कह देना सब ठीक हो गया। ओके ओके अब जाइए। शुक्रिया। 25 लाख। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप खुश हम भी खुश भाई भी खुश, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बाप रे बाप, दादी को हार्ट अटैक आया था, बहन को कैंसर है और माँ को। अबे ओए, पैसे देखते ही बीमारियां दूर चली जानी चाहिए। ये लोग हमसे भी बड़े कमीने हैं, ये हमें जितना देंगे हम ले लेंगे, है ना भाई? हाँ भाई मुझे देगा तो मैं तुम लोग को दूंगा। हैदराबाद का पैसा हाथों में जम गया है ना, चिपट जा। रोहित नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लूं उसे? पागल, बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी, कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर है क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो उसे दामाजी बोल रहे हैं। छे ठीक नहीं है, रुकिए ससुर जी आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया। आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे अचानक? और तुम्हें क्या लगता है मैं भी शादी कर लूंगी, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है लेकिन। तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर आइटम है। हाँ? लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा पर भाई की बेटी को नहीं। भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है। वैसे नाम क्या बताया? जी नाम। हाँ रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं, अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहाग रात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। दो मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। माफ करो भाई जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज। भानु ग्रह अब हमारे अनुरूप आ चुके हैं, शुरू करो। भानु एक और मारो। क्यों? एक बुध के लिए, दूसरा गुरु के लिए और तीसरा शनि के लिए, सबको समान देना चाहिए ना? ठीक है बाबा। सर हैदराबाद से भाई का फोन है। हेलो भाई। हाँ दोस्त। ठीक टाइम पे फोन किया, बाबा ने बताया कि अभी भी मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, अपने रोहित और अंजलि की शादी शारजा में करेंगे भाई, बहुत अच्छा होगा ये भी बताया। शारजा में? क्या दोस्त सब लोग यहाँ पर हैं,
यही धूमधाम से कर सकते हैं। आप तो वैसे भी नहीं मानते, मेरी मान्यताओं को तो इज्जत दो। शुक्र की दृष्टि इंडिया से ज्यादा शारजा में बलपूर्वक है, ग्रह को भी खुश रखना है ना, इसीलिए मेरी बात मान लो। रिसेप्शन इंडिया में कितना भी ग्रैंड क्यों न कर लो, लेकिन शादी सिर्फ शारजा में ही होगी, जय भोलेनाथ। अच्छा डिंपल, शादी शारजा में होगी, हमें वहाँ जाना होगा। सर सर सर, शादी कहाँ होगी ये जरूरी नहीं है सर, किससे होगी वो जरूरी है। भानु का लड़का कितना बुरा इंसान है ये तो आप जानते हैं, अफवाह है कि किसी फॉरेनर का रेप करके उसे मार डाला है उसने। ऐसे बुरे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? अंजलि मेरी बेटी नहीं है, भैया की बेटी है। सर ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। अबे नीच, खुद के बेटे को लंदन में पढ़ाई करवा रहा है और भाई की बेटी को बलि चढ़ा रहा है, तो स्मैश हो जाएगा बे, स्मैश हो जाएगा तू। ये किसका घर है भाई? भाई का घर है। तुम क्या पागल हो गए हो, सीधे भाई के घर पर लेकर आ गए हमें? हमारे पास भाई है लेकिन कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर्स पकड़ने हैं तो यहीं आना होगा। यहाँ कस्टमर कैसे पकड़ेंगे? वो मैं सेट कर लूंगा। अगर भाई अंदर हुए तो समझ लेना। भाई नहीं है, ये जानकारी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, हमारा काम सिर्फ डिंपल से है। डिंपल ये कौन है? मुझसे नहीं होगा ये 10-15 लाख का सेटलमेंट, मैं नहीं करता, तुम लोग जाओ। सर कौन भाई? घंटे का भाई, जो मैं कहूँगा वही होगा, जाओ। भाई है भाई। नेक्स्ट। डिंपल जी, डिंपल जी, क्या ये ऐसे भारी हार मैं नहीं पहनता, भाई अभी बाहर गए हैं, जब आए तो उन्हें पहना देना। हम आपके लिए लाए हैं सर, हम आपके फैंस हैं। हाँ सर, फैंस हैं, फैंस हैं। मेरे फैंस हो तुम लोग? अरे छोड़ो ना, क्या करो। मेरे फैंस मगर किस लिए? क्यों सर, सलमान के फैंस नहीं होते? अरबाज के नहीं है क्या? शाहरुख के नहीं है क्या? कमाल खान के नहीं है क्या? श्रीराम के भक्त होते हैं, हनुमान के नहीं होते? हाँ होते तो है, लेकिन आज अगर भाई इतना बड़ा आदमी बना है तो वो आपके दिमाग से ही ना। जो हुआ वो लोग भले ना समझे, लेकिन हम जानते हैं सर। जाने दो ना, चलो तुमने पहचाना तो। इसलिए सर हम आपके फैंस हो गए, आपके ब्रेन के फॉलोअर बन गए हैं। आपके ब्रेन की तरह अपना ब्रेन चलाकर छोटे छोटे काम करते हैं, मुनाफे में जैसे तिरुपति को हिस्सा देते हैं वैसे हम आपको देंगे। पहले वेंचर में हमें 10 लाख मिले हैं, ये लीजिए आपका 10%। तुम्हारा नाम क्या है? दामाद सर। दामाद मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये कैसा नाम है? क्यों सर, अम्मा राजशेखर, बहन मायावती नाम है तो दामाद सीनू नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चाहने वाले मुझे दामाद कहकर पुकारते हैं। ओहो दामाद कहकर? हाँ मैं भी तुम्हें दामाद ही कहूंगा। आई लव यू। सुनो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। फ्यूचर में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सारे फैंस मेरे बर्थडे पर ब्लड डोनेशन और अन्नदान करते हैं। हाँ करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, हमने तो उसके लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए वेंचर खूब अच्छी तरह से करते रहना और कमीशन भूलना मत। जी सर बिल्कुल देंगे। ओके थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। माला उतार दो। कौन है तू? माला क्यों उतारेगा, चल निकल। कस्टमर्स मिलेंगे कहा था, तुम तो उसे माला पहना कर आ गए। अब हमें एक बुलावा आएगा देखना। दामाद जी, मैं डिंपल को डील करता हूँ, तुम सब कस्टमर्स को कार्ड बांट दो। आपने बुलाया मुझे? फोन भूल गए थे बेटा, जानबूझकर भूल गया था। क्या मतलब आप अपने ग्लैमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो सर? बहुत हेयर ऑयल इस्तेमाल किए लेकिन ये टकला भरता ही नहीं है। चेहरा भी तो। क्या करूं मैं इसकी टेंशन, ये भाई कोई कम टेंशन थोड़ी देता है। क्या ग्लैमर होता था मेरा। कोई बात नहीं सर, मार्केट में नई क्रीम आई है वो मैं भेजता हूँ। हाँ भेज देना, और सबसे खास बात ये ढीलापन कम करने के लिए कुछ भेजना, इन्हें थोड़ा टाइट करना होगा सर। टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए कोई कपड़े थोड़ी है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा ना। ओके चलता हूँ सर। ओके सारे कस्टमर्स कहाँ चले गए? बंद करके शादी कर लेती। शट अप, टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाले पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। हाय अंजलि जी, हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ट्रैफिक सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक? यस 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 ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही वही, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं, इसीलिए चाइल्डिश चाइल्डिश। वाह व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना। यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुला कर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है, वो
मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है। खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाइए क्या? पानी पूरी में ऐसी पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें 5 चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा। कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फंसी गई बेचारी। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना? शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानीपुरी युद्ध करना होगा? नहीं, कब? What is this green balls? ये balls नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब watermelon. Watermelons? Watermelons तो लाल होते हैं ना यार। बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, wow, it's red inside, गिरी. What a wonder यार। Nature है सर। बेचारा, तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा, 3 chances. लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए। स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया। It's like a half moon, यार। It's beautiful, साहब जी। Good, तुम इसमें भी पास हो गए। Thanks. Next test. Oof. Auto. Hello. Shit, I can't believe this. What happened, साहब जी? इसके तो 3 ही व्हील्स है यार, फोर्थ व्हील कहाँ है? वो क्या है, ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग रहा है। चुप करो, तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है? मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही है। अब चलते हैं। चलो साहब जी। आप तू यही रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज, हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए है क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था, तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की? मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया। कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना? तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंस कार में घूम रहे होते। बेचारे ऑटो पे अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फंसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ कैसे, और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? दिस इज अ बाजार, तुम्हें जाकर उस कोने की सलीम बैंगल शॉप से 4 dozen बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है ना यार। इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी। नहीं फिसलूंगा, इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। साहब जी, हटो 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 भाई, हटो बेंच, हटो 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 हटो। अरे साइड को यार, साइड को, हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। ये बुलबुल, रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ू करेंगे। तो बेशरम। ए भाई, दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है भाई, चटक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो, क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही है? माय गुडनेस, वहां तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। ए, तुमने मेरी कमर क्यों देखी? नहीं देखी। नहीं, तुमने देखी? अरे काना, नहीं देखी? नहीं, तुमने देखा और वो मैंने भी देखा। कह दिया ना, नहीं देखी, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या बात है?
इसने मेरी कमर देखी। अरे देवा रे देवा, कैसी जिद है तुम्हारी? मैंने कहा ना मैंने नहीं देखी। आहा, खुशी फिल्म में भी पवन कल्याण ने तुम्हारी तरह देखकर कहा था कि नहीं देखा। अंजलि जी, वो हीरो है और ये विलन है ना, नहीं देखा कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों कर रही हो? चलिए हम चलते हैं। मतलब तुम इसकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? तब से चुप बैठा हूँ क्योंकि पैसे वाले लड़कियों से क्या मुंह लगना, लेकिन तूने मुझे अब भड़का दिया है, ये क्या कर लेगा मेरा? नहीं भाई, इन्होंने तो मजाक किया था। मैं भी तो मजाक कर लेता हूँ ना भाई। नहीं भाई, अब तक तो मैंने भी टच नहीं किया। ऐसा क्या, तब तो मेरा हाथ भी बहुत शुभ है भाई, ओपनिंग कर देता हूँ। प्लीज भाई, झगड़ा मत करो। अब देखना तुम लोग, एक भी बैंगल नहीं बचेगी। चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं, उन्हें लगी है। वो तो होना ही था, क्योंकि शौक तो दूसरों को देता रहता है ना। चेक कर लीजिए, एक भी नहीं टूटी होगी। तो अब टेस्ट में मैं पास तो हो गया ना? सेमीफाइनल तक तो आ गए हो, फाइनल्स हो जाने के बाद फाइनल करूंगी। मेरे फोन का वेट करना। भाई, टेस्ट मैच तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक मैच के लिए इतने टेस्ट? एक बार हमने जो फैसला कर लिया तो फिर कितने भी टेस्ट होने दो। रेडी है अपन?